महापुराण की तथा सारे शास्त्रों का शर्ताज है, जिसके शरण मात्र से मानो इस भव सागर में रह करके कृष्ण की प्राप्ति करता है। अभी आप लोग बड़ी सुंदर कथा सुन रहे थे, भगवान कृष्ण के बाल लीलाओं का वर्णन। श्री कृष्ण ने 27 दिन की उम्र में पूतना को मारा, तृणावर्त को श्रृंगारा, शक्टासुर आदि राक्षसों को मारा है। भक्तों पर भगवान ने कृपा की है और भगवान भोले शंकर बाल कृष्ण भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए आए हैं, वो भी कैलाश पर्वत से गोकुल में। अभी आप लोग कथा सुन रहे थे माखन चोरी भगवान की। ये जो लीला हुई है माखन की, ये बड़ी ही अद्भुत लीला है। श्री कृष्ण भगवान ने माखन की लीला इसलिए की है, वो जानते थे कि हमारे यहाँ की ब्रज बालाएं ये दूध दही बेचने जो मथुरा जाती हैं वो ना जाएं, मेरे यहाँ की मर्यादा नष्ट हो रही है। उनका एक ये भाव था कि हमारे यहाँ का गोरक्ष अगर मथुरा जाएगा तो हमारा बैरी कंस खाएगा, वो ताकतवर बनेगा, हम सब कमजोर हो जाएंगे, जब उससे सामना करेंगे तो हम जीत नहीं पाएंगे, तो हम क्यों ना अपने यहाँ का दूध दही माखन खाएं, हम मथुरा नहीं जाने देंगे, जब कभी कंस से मुकाबला होगा तो हम जीत तो आएंगे हम। इसलिए श्याम सुंदर ने माखन की लीला की और गोपियां जो थी ये भगवान की अवतारिन थी। तो श्री कृष्ण भगवान कभी ललिता के घर चोरी करते हैं तो कभी विशाखा के घर, कभी शीला के घर, कभी सुशीला के घर, कभी अपने यशोदा मैया के ही यहाँ पर। कि भयों नगर में शोक जी गया।
श्री कृष्ण का नाम पड़ जाता माखन चोर। बोलो माखन चोर भगवान की। माखन जब श्री कृष्ण खाते हैं तो उनके मुख में लग जाता है, ऐसे माखन से सने हुए सुंदर कृष्ण बहुत सुंदर लगते हैं। मैया यशोदा के पास से लहना लेके जाती हैं, लेकिन इधर जब माखन की मटकी को लेकर के गोपियां बरसाने से जब जाती है मथुरा की ओर, तो रास्ते में एक सकरी गली है जिसे कहते खोर सांकरी। खोर सांकरी में एक ही एक इंसान निकल सकता है। ये उसी गली से जा रही थी सारी सखियां, और तैसे श्याम सुंदर तमाम सारे ग्वाल बाल लिए हुए और खोर सांकरी में खड़े और वहीं पर बैठे हैं, क्योंकि मैं सखियों को मथुरा नहीं जाने दूंगा। क्या करते हैं कि एक एक सखी जब निकलती है तो श्री कृष्ण पत्थर उठा करके और मारते हैं, उनकी मटकी फूट जाती है, माखन बिखर जाता है। खोर सांकरी का आज भी पत्थर वहां इतना चिकना है कि ऐसे कोई निकल नहीं पाता है, रपट जाता है। आज भी ऐसा स्थल है जहां पर भगवान मटकी फोड़ रहे थे। गोपियां दुखी होकर के यशोदा मैया के पास आके कहती मैया कि मोहन को देख कर रस्ते में मेरा माखन लुट गया। यशोदा मैया, तुम्हारे लाला ने मेरी मटकी फोड़ी है,
मैया यशोदा कहने लगी, अरे सखी काय को ठिठोल कर रही, मेरे घर 1 लाख गैया नित नौ मन माखन होवे और मेरा अकेला बेटा जरा भी माखन नहीं छूता है, और तुम मेरे लाला को माखन चोर कहती हो, क्यों काना तुमने क्या मटकी फोड़ी है? श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं मैया मैंने कोई मटकी नहीं फोड़ी है। यशोदा मैया अपने श्याम सुंदर की तो बात मान लेती हैं, लेकिन जब वो सखी श्याम सुंदर को पकड़ा देती है, पर वो फिर भी श्याम सुंदर सोचते हैं कि अब मैया के सामने हम माखन की चोरी तो करते हैं पर चोर नजर नहीं आ सकते हैं। उन्होंने हरकत की है, जब उस सखी ने कलाई पकड़ी थी श्याम सुंदर की, तो भगवान ने अपने कलाई को छुड़ा लिया, उसके पति मदमंगल का हाथ पकड़ा दिया, वो अपने पति को ले आई थी। और यशोदा मैया से बोली है, मैया देखो मैं तुम्हारे लाला को ले आई, तुम मानती नहीं थी कि मेरा लाला चोर है। यशोदा फेरो सामरिया, यशोदा ये तेरो शाम